शहर सुल्तान थाने में मौजूद हूँ। ये जो वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने साद भाई को अपनी मदद के लिए पुकारा था। अल्हम्दुलिल्लाह साद भाई के हुक्म पर इब्तिदाई सैयद सरवर शाह साहब सैफी के आपके हुक्म पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला क़यादत कारकुनान ओहदेदारान तमाम हाज़िर हुए और FIR भी इंशाल्लाह अभी कुछ देर में कट जाएगी, उसकी नकल भी ले लेंगे। और जो हमारी वो जन्नत मई बहन है वो अपने मकान में इस वक्त हिफाजत के साथ मौजूद हैं और SHO साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जन्नत मई को इस मामले पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जो कादियानी हजरात या दीगर जो शरारतें कर रहे हैं उनको भी पाबंद किया जा रहा है और ख़ास दफात लगा के इंशाल्लाह उसको इस मामले को क्लोज कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जन्नत मई ज़िला मुजफ्फरगढ़ थाना शहर सुल्तान तहसील जतोई से बात कर रही हूँ। ये मेरी आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। हर मुस्लिम को ये मेरा आखिरी बयान है। मैं चीख चीख के थक गई हूँ बता के कि ये मुझे कादियानी मार देंगे, सजा दे रहे हैं। किसी उम्मत मुस्लिमा के बेटे को गैरत नहीं आई जो मेरी हिफाजत करें। कल मुझ पे जानी हमला हुआ है, मेरे घर पे हमला हुआ है, कादियानियों ने हमला किया है, तकरीबन 20 बंदों ने। थाने में मैं नंगे सर गई हूँ, कहाँ गए हैं मुस्लिम भाई? दरख्वास्त दे के आई हूँ, सारी रात इधर 100 बंदा इकट्ठा करके कादियानी बैठे रहे मुझे मारने के लिए। ये मेरे आखिरी बयान है। किसी को गैरत नहीं आती या किसी को मुझ पे यकीन नहीं आता तो आज ये फिर हमला करने का सोच रहे हैं। कादियानी औरतें इकट्ठी होके बैठी हैं, मर्द भी इकट्ठे होके बैठे हैं। अगर ये आज मुझ पे हमला करेंगे या तो मैं ये चाहते हैं मुसलमान मेरे भाई बहने दीन के मुहाफिज नबी पाक की उम्मत ये चाहती है कि मिर्ज़े कादियानी से माफ़ी मांग लूँ, या तो मैं माफ़ी मांग लूँगी फिर काफिर हो जाऊँगी या फिर खुद को आग लगा दूँगी। दोनों सूरतों में मैंने जिस भाई को चीख चीख के बताया है नबी पाक के सामने, मैं उनके गिरेबान पकड़ के बोलूँगी, शिकायत लगाऊंगी कि मेरे पास कोई भी नहीं आया था। ये देखें मेरा हाथ, ये देखें जो मुझे घसीटते रहे हैं कादियानियों के आदमी। एक बार मैं इनसे माफी मांग लूं फिर वही लोग वही घर वही सब कुछ, आप लोग तमाशा देखिएगा कि मैं क्या हूं इनके लिए। राम का क्या है? तू सामने चलो, हाँ आ भी ये सुना नहीं कर दे ना।